नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान समाधान में। मैं हूं ज्योति। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2020। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष सुखकारी रहेगा। घर में आपके मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा, भवन सुख की वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। मीन राशि वालों, करियर में आगे बढ़ने के साथ ही पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। दोस्तों, इस वर्ष राशि का स्वामी बृहस्पति मार्च अंत तक आपके दशम भाव में उपस्थित रहेगा और उसके बाद आपकी राशि से 11वें भाव में मकर राशि में गोचर करेगा। ये स्थिति आपकी संतान के लिए बहुत अच्छी रहेगी। इस वर्ष पारिवारिक यात्रा के भी योग हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर किसी बिजनेस की शुरुआत करने की भी संभावनाएं प्रबल हैं। दोस्तों, शनि वर्ष के आरंभ में एकादश भाव में आपकी राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद आपके सारे बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। छोटे मोटे विवादों को छोड़कर हर दृष्टि से ये साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। नए पार्टनर के सहयोग से काम की स्थिति सही रहेगी। नौकरी वाले लोग अच्छे परिवर्तन के लिए सोच सकते हैं। जमीन में इन्वेस्ट करना इस समय बहुत लाभकारी होगा। जीवन साथी और परिवार का इस वर्ष आपको पूरा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, संतान सुख की प्राप्ति के भी योग प्रबल हैं। आर्थिक स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। मीन राशि के लिए वैवाहिक संबंधों के लिए ये वक्त उपयुक्त रहेगा और ये वर्ष भी। मीन राशि के स्टूडेंट्स को इस साल की शुरुआत में ही कई शुभ समाचार मिलने के योग हैं, संयोग है। लॉ, मीडिया, इंजीनियरिंग, साइंस और आध्यात्मिक विषयों के शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष काफी उन्नतिदायक रहेगा। मीन राशि वालों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी साल के मध्य में थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्राप्ति अवश्य होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से मीन राशि वाले लोगों को ध्यान देना होगा कि इस साल आपके स्वास्थ्य में काफी उतार चढ़ाव आने की संभावना है। इस दौरान अगर अपने आपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो आपको पेट की समस्या हो सकती है, पैरों और नसों की भी समस्या हो सकती है। तो हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें मीन राशि वालों। अब बात करेंगे मीन राशि वालों ध्यान देने योग्य कुछ खास बातें। खान पान पर इस वर्ष आपको पूरा ध्यान देना होगा और वहीं घर में बड़ों से बहस मत करें और जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखें। वाहन इस वक्त और इस वर्ष ध्यान पूर्वक चलाएं। कर्ज का लेन देन बहुत संयमित तरीके से करें। अपनी योजनाओं को किसी को ना बताएं। इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें मीन राशि वालों, तो सब अच्छा होगा। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए कुछ खास उपाय इस वर्ष के। आप भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस वर्ष ब्राह्मण को अन्नदान और धार्मिक ग्रंथों का दान अवश्य दें। इस वर्ष किसी भी धार्मिक स्थान के निर्माण स्थल में अपना सहयोग देंगे तो ये वर्ष आपके लिए भाग्यशाली रहेगा मीन राशि वालों। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारी पसंद आई हो तो आप ज्ञान समाधान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।